वेलकम टू न्यू एपिसोड एक्सप्लोरिंग द डार्क सीरीज। काफ़ी थकावट के बाद आखिरकार हम ले के मार्केट में पहुंच ही चुके मेन सिटी में। अब हम यहाँ से जाएंगे आगे। मुस्तफ़ा भाई हमारे जो दोस्त अभी आ चुके हैं, आगे वेट कर रहे हैं हिमालयन पे, तो उन्हीं के साथ जाएंगे, थोड़ा रूम पे फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो जी रेडी वेडी हो चुके हैं हम और चलते हैं मार्केट की तरफ। हमने गाड़ी पार्क कर दी वहाँ पे होटल में ही, जो आगे चलेंगे हम मार्केट की तरफ ऐसे ही। अब बाय वॉक एंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे यहाँ पे कौन सी मेन चीज़ें हैं लेह में घूमने के लिए। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे एक टेंपल है उसे विजिट करने के लिए। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए। कोई और कुछ काम नहीं है, सच बोलूँगा। यस G20 meets क्या लेना, स्टोन वो लोकल ट्रेडिशन है ना यहाँ का, लोकल ट्रेडिशन ड्रेस बढ़िया है। चल आगे चलते हैं। अच्छा ये लोकल था, बॉक्स ऐसी चीजें बिकती है। अभी हम पहुंच चुके हैं G20। वेलकम G20, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इससे अंदर बड़ा मार्केट है यार। तो ये दोनों भी आ गए हैं, अब इनका फोटो शूट चल रहा है। ये देखो वाह कदाफी, क्या माल लग रहा है भाई, अब चमका है ना तू। नहीं फंसे मेरे भाई, सो रखे हैं भाई। अंग्रेज लोग भी घूम रहे हैं भाई, ऐश करो। फॉरेनर्स टूरिस्ट भी जो हैं फॉरेनर वो भी घूम रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक ये मस्जिद है ना। यहाँ के लोकल मार्केट में नहीं, यहाँ पे क्या मिलता है, सब्जी भी मिलती है। तो ये है यहाँ की लेह की जामिया मस्जिद, जो आप देख सकते हैं सीधे जामिया मस्जिद लेह लद्दाख, बड़ी ही खूबसूरत बनाई है इन्होंने। और मेरे फोटो लेह टाउन में जो सबसे पहले आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है जोरावर फोर्ट, जिसका सारा देखभाल जो भी है मैनेजमेंट सिस्टम सब आर्मी करती है। जोरावर फोर्ट के बाद हम पहुंचे शांति स्टूपा, जो कि ले टाउन से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, एकदम जबरदस्त मजा आ गया। उसके बाद हमने एक मोनेस्ट्री पे विजिट करा, शे मोनेस्ट्री, बहुत ही मशहूर मोनेस्ट्री है वहाँ की। ए सामने इधर जा, चल हीरो भाई। स्टोन्स हैं बट हमें इसकी नॉलेज नहीं है, पूछ लेंगे बाद में क्या है स्टोन्स, है ना। हेलो बेबी हाउ आर यू। पूरी आर्ट गैलरी है ये लद्दाख की ले, है ना, वो ये नहीं है। उसके बाद लास्ट पे हमने विजिट करा यहाँ का जो मशहूर पैलेस है, जो बिल्कुल हिल पे बना हुआ है, काफ़ी मशहूर है काफ़ी सालों से, तो इसे विजिट करने जा रहे हैं अभी। तो जी अब हमारी एंट्रिंग हो गई है इसमें मेन गेट में, पैलेस के मेन गेट में। मेरे संतरी पहले यहाँ रखे हैं, शायद मंदिर है, एक वहाँ खड़ा है। व्यू देखो इस मार्केट में, अभी तो लद्दाख बहुत बड़ा है, अभी पूरा कवर हो ही नहीं सकता है, यहाँ से थोड़ी बहुत नज़र पड़ती है, एक साइड एक पोर्शन इसका कवर हो रहा है यहाँ से, बाकी तो वो दूर तक। पैलेस के अंदर हम आ चुके हैं, अब थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाई देता हूँ आपको। इसके नीचे वाला बॉटम वाला पोर्शन है ये पैलेस का, अभी हम अंदर जाने वाले हैं दूसरे वाली साइड से। थक गए यार, हाँ बड़ा है। तो हम टिकट ले लेते हैं यहाँ से, फिर अंदर जाएंगे इसका विजिट करने के लिए। टिकट्स हमने ले लिए हैं यहाँ से और आगे बढ़ेंगे हम अब अंदर की तरफ। वाह ये गाना बोल रहे हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में।
चलिए फिर बढ़ते हैं अंदर पैलेस की तरफ और एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। हेलो जी, सारे अपने अपने स्नैपचैट ने और वीडियो बढ़ा रहे हैं, तुसी भी देखो, व्लॉगर भी आए ने। तो हमारा हो गया फिनिश, ये पैलेस का व्यू वगैरह सारा कुछ देख लिया हमने और आपको भी दिखा दिया, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, तो बने रहो ब्लॉग में। चल भाई टूट पड़ो, अब खा लो, खाना वाना आ गया है भाई। देख लो वैशी जानवरों ने कितना खारी कर दिया, सब चाट गए हैं, ये देखो अब अकड़ के बड़ा बड़ा कर रहे हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं यहाँ से, बढ़िया शॉप से ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी। अब शॉपिंग हमारी होगी स्टार्ट, रिंग वगैरह लेने की, कुछ गिफ्ट ले जाएं घर वालों के लिए। तो हम सब लोगों ने शॉपिंग कर ली अभी यहाँ पे, कुछ चीज़ें ले ली हमने घर वालों के लिए, सिस्टर के लिए, मम्मी के लिए, अपने लिए कुछ नहीं लिया। तो ये आंटी जी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे डिस्काउंट दिया हमें यहाँ पे, बहुत बढ़िया, और इन्हीं से हमने ये चीज़ें वगैरह ली। बारिश तो बहुत आ रही है ऊपर, आ रहा हूँ। तो अभी हम नाइट व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको ले मार्केट का। ये शाम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त बारिश पड़ रही है यहाँ पे इस टाइम, तो हम बिल्कुल भीग चुके हैं वहाँ पे आते समय, तो मौसम एकदम से चेंज हो गया है भाई, पर मज़ा बहुत है, थक भी बहुत गए हैं। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर आगे निकलेंगे पेंगोंग के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपसे, तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।